नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में चार किसानों की करीब 11 एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। इस अग्निकांड में 4 लाख का नुकसान हुआ बताया जा रहा है और अब पीड़ित किसान मुआवजे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि गेहूं की खरीद जोरों पर है, किसानों पर प्रकृति की कम मार तो पड़ी नहीं, जो प्रशासन की अनदेखी की वजह से भी उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों की खड़ी गेहूं भी आग की चपेट में आने लगी है। यमुनानगर जिले के नगला जागीर में किसानों की करीब 11 एकड़ खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हाई टेंशन तार की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। किसान नवाब ने बताया कि उनकी फसल पककर तैयार हो चुकी थी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी फसल ही जल गई। इससे उन्हें करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। करीब 1.5 घंटे के भीतर किसान के 6 महीने की मेहनत पानी हो गई है। आसपास के ग्रामीणों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। किसान नवाब ने बताया कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब इन खेतों के ऊपर से जारी हाई टेंशन तार की वजह से ये हादसा हुआ है। इससे पहले भी हमारी फसल जल चुकी है, ऐसे में हम सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं। इसके लिए अब वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं ताकि कुछ तो मुआवजा मिल सके, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिजली विभाग अपनी लापरवाही से बाज कब आएगा। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी हम विभाग को चिता चुके हैं कि यहां से हाई टेंशन तार को बदला जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव चौधरी की रिपोर्ट। ये 10-11 किलो में आग लगी थी और गांव नगरा जगीर में सतपाल सिंह और लोकेश कुमार और नवाब सिंह और करनैल सिंह के जो 8-10 एकड़ में जिस टाइम 6:30 बजे बिजली छोड़ दी गई पावर हाउस तलाक और से, तो तूफान उठ गया था, उसमें से चिंगारी उड़का और वो गिर दी। जबकि इससे पहले भी 31 अक्टूबर में गन्ने की 1.5 एकड़ फसल हमारी जलकर राख हुई थी और 10-11 किले जड़े। इसकी भरपाई करने के लिए हम आज आप मतलब मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाह रहे कि हमारा इस चीज का हल करा जाए। उसके ऊपर सन 66-64 से वो लाइन थी, ये भी 2.5 साल 3 से वो सुचल गया रहा है, जिसकी वजह से हमारा बार बार नुकसान हो रहा। पिछले साल भी हमारी उस टाइम भूस बनाया था तो किलियों में आग लगी, हमने वो बुझा बुझू का अपनी फसल बचा ली थी। अब की बार हमने उसमें से कुछ फसल कट गई थी, कुछ खड़ी थी सारी, 2.5-3 किले 3 एकड़ के आसपास थे, वो सारे राख हो गए। ये शॉर्ट से लगी है जी, 11,000 वोल्ट ऊपर जारी वहां लाइन, उसके ऊपर एक सूचन गया गया जिसकी वजह से लाइन बार बार हमारे को मतलब नुकसान पहुंचा रही। ये बिजली बोर्ड की गलती है जी, बिजली नुकसान हुआ इसमें तो जिम्मेदार का 3-4 लाख का तो आसपास है जी, हमारे 3-4 जिम्मेदार हैं हम, 3-4 लाख के आसपास का नुकसान है जी। भूसा के लिए डंगर मारे भूखे मरा ली और नाज के लिए परी। आज फायर ब्रिगेड गया जी, वहां से SHO थाना छप्पर भी था वहां मौके पे और मेरे गांव गुआंढ सारे चढ़े वहां से, 20 ट्रैक्टरों ने वहां से फसल को बचाया है। पीछे फसल भी बही और उसको बहुत दूर तक मतलब आगे सड़क आएगी जब जाएगा कुछ कंट्रोल कर पाए। और टाइम लगा बजाने 1.5 से 2 घंटा 1 घंटा मतलब पूरी तूफान था जी जिस टाइम ये आग लगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।